चलाना दूर तक मेरी 14 रावण, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम अभी इंटरनेशनल लॉबीज तो कवर कर रहे हैं, बट इंडियन रीजन से आपका डीएमआर स्पेशलिस्ट कौन है? आपका फेवरेट कौन है जो सबसे बेहतर डीएमआर चलाता है आपके हिसाब से? देखिए, मेरी अगर आप बात करें तो मैं तो स्काउट के ही साथ जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं जब देखना स्टार्ट किया था तो मैंने उन्हीं को डीएमआर चलाते हुए देखा था। बट चलिए उसमें मैं आता हूँ, लेकिन बॉक्स यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी अपने 2 खिलाड़ी गंवा चुके, 3 खिलाड़ी भी गंवा चुके हैं, और नो अब नो नो कुछ नो बात नो यहाँ पे चल रही है। और ओके, अपने हेल्थ को रिकवर करेंगे, उसके बाद शायद जाके ये आखिरी कुछ फाइट होगी। बट मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये वही टीम है जो कि 3 खिलाड़ी के साथ इस मैच में ज्वाइन किए थे, और उसके बाद भी एक स्क्वाड को मुश्किल में डाल चुके हैं, क्योंकि उनके आखिरी जो खिलाड़ी है वो थोड़े से पीछे, और उनकी पोजिशन भी यहाँ पे रिवील हो चुकी है। क्या गन के साथ जाएंगे, क्या उन्होंने देखा नहीं, जो भी सवाल था वो जवाब मिलेगा। बट यहाँ पे बातचीत बड़ी अच्छी हो रही बातचीत जो हो रही है वो तो खैर हमें ना सुनाई देगी, और अगर सुनाई दे भी जाए तो हमें समझ भी नहीं आने वाली। बट कहीं ना कहीं स्टॉलवर्ट के ये प्लेयर्स ने जिस तरीके से 2v3 का ये क्लच निकाला है हासीअंडा के इस एरिया पर, जताता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग ये टीम है। भले ही 3 प्लेयर्स के साथ आए, बट बॉक्स जैसी एक्सपीरियंस टीम का बॉक्स बनाने में ये पूरे तरीके से सक्षम है। उधर एलजीडी ने वहां पर नोवा की जो स्क्वाड है, नॉर्थ अमेरिका की जो स्क्वाड थी, उन्हें डाउन कर दिया। बॉक्स के आखिरी प्लेयर ट्रस्ट में यहाँ पर जरूर से बचे हुए हैं, 3-3 प्लेयर्स को रिवाइवल देना है, बट शायद उन्हें फिनिश ऑफ ना करके थोड़ी सी मुश्किलों में आ भी सकते हैं सालवर के प्लेयर्स। ये थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कहीं इन्हें भारी ना पड़ जाए। ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ से डैमेज देना कभी भी इतना आसान होता नहीं है, अंटिल एंड अनलेस कोई और टीम यहाँ पर आना जाए। क्या हम एक क्लच की ओर बढ़ रहे हैं, एक 1v3 करना पड़ेगा, तीनों प्लेयर्स रेन आउट हो रहे हैं। ऊपर चढ़कर अगर एक साथ आते हैं स्टारवर्ड के प्लेयर्स, तो बॉक्स के पास शायद कुछ बहुत ज्यादा चांस बचेगा नहीं। ग्रेनेड जिनके पास है नहीं, लेवल 2 का जो हेलमेट है वो भी पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है, बट स्टारवर्ड के प्लेयर्स बिल्कुल ऊपर से लगातार पीक्स देते हुए, हाथ में बैरल रहेगी जिसका रिकॉल शायद उतना बेहतर नहीं भी है, बट बावजूद उसके पहला नॉक निकालने में सक्षम यहाँ पर। क्या हम एक क्लच की तरफ बढ़ रहे हैं, मौका पूरा, बॉक्स के प्लेयर्स अपना बदला जरूर से लेना चाहेंगे। थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पर ओवर कमिटमेंट हमें स्टारवर्ड की तरफ से देखने को मिल रहा है। दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट किया था जॉनसन की कोशिश में, तक इन बॉक्स के प्लेयर्स काफी हद तक सक्षम नजर आ रहे हैं यूएमपी और डबल बैरल के साथ। क्या ये क्लच हमें देखने को मिल पाएगा, हेलमेट नहीं है सर पर, बट बावजूद उसके टीपीपी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए फरारी पीक के साथ बॉक्स के प्लेयर्स क्या दूसरे नॉक की तरफ बढ़ पाएंगे। सामने स्टालवर्ट के प्लेयर्स का एमिनेशन खत्म हो चुका है, ये लीजिए जो चीज डिलीवर करने की डिमांड रखी गई थी वो चीज डिलीवर करते हुए आपको मिलेंगे बॉक्स के क्रश में। ये एक बेहतर क्लच साबित हो सकता है, पहला गया, दूसरा गया, क्या तीसरा भी जाएगा। आप ज्यादा फ्री फायर नहीं कर सकते, बिकॉज वो शायद आपके पास भी उतनी ज्यादा नहीं है। रैंडम शॉट स्मोक पे दिए जरूर से जा रहे हैं, क्या आगे जाके चार्ज किया जाएगा, क्या ये क्लच को अंजाम दिया जाएगा। जी हाँ, आगे जा रहे हैं, रिवाइवल उन्हें पता है कि दिया जा रहा है, क्या एग्जैक्ट जगह पे जाके वो रिवाइवल रोक दिया जाएगा। जी नहीं, रिवाइवल तो नहीं रोका गया है, बट उन्हें हील करने का टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, जो प्लेन नॉक किया गया था उन्हें फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। पीछे जाएंगे स्क्राइब्स, गोना बी 1v1 अंटिल पीछे से बचे हुए स्टॉलवर्ट की आखिरी खिलाड़ी रिवाइव दे देंगे। ये बूस्टर आप नहीं लगा सकते, जंप इन करके जा रहे हैं दूसरी जगह पर, बहुत लंबा ये फाइट तक के चलता जा रहा है। बॉक्स के आखिरी खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश, पूरी जान इस फाइट में डालते हुए, बट क्या ये फाइट अपने नाम कर पाएंगे? बिल्कुल, ये फाइट जिस तरीके से यहाँ पे घिसता चला जा रहा है, अभी तक नतीजा नहीं मिला है, और नुकसान अब बात करें तो दोनों तरफ इतना ज्यादा हो चुका है कि हम यहाँ से अब सर्वाइव करेंगे। खास फायदा होगा, एक खिलाड़ी को डैमेज दिए थे लेकिन दूसरे खिलाड़ी के सामने आ जाते हैं और एलिमिनेट कर दिया जाएगा आखिरकार बॉक्स को। बट स्टिल ये जो फाइट था, आप इसको जितनी बार दोहराएंगे आपको बिल्कुल एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं, क्योंकि पहले ये स्टारवुड के 3 खिलाड़ी आते हैं।